हेलो एवरीवन, आज मैं आपके सामने एक ऑफिस गोइंग गर्ल प्रोफेशनल मेकअप लुक क्रिएट करूँगी। जो पहले मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया था वो बहुत ही सिंपल सा, इजी सा था, जो आप फटाफट से कर सकते हैं 5 मिनट्स में। ये मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक लेके आई हूँ, तो आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। तो इसमें पूरा बेस हमने अच्छे से सेट किया है और हमने आई शेडो भी इसमें अप्लाई किया है, बट बहुत ही लाइट आई शेडो अप्लाई किया है। और लिपस्टिक इसमें हमने डार्क रखी है, जो पहले वाला लुक था उसमें हमने न्यूट शेड रखा था, इसमें मैंने थोड़ी सी डार्क रखी है। तो बस हाई बन बना लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कलर बार का प्राइमर। प्राइमर मस्ट है, प्राइमर से हमारे जो बेस है ना वो बिल्कुल एकदम सिल्क हो जाता है, सिल्की हो जाता है, जिससे हमारा जो फाउंडेशन है ना वो बिल्कुल अच्छे से ग्लाइड हो जाता है। अगर आप प्राइमर नहीं लगाओगे तो आपका बेस अच्छा नहीं लगेगा और आपके जो पोर्स है ना उसमें फाउंडेशन वगैरह जाएगा, तो वो अच्छा बेस नहीं लगेगा। आप अगर कोई भी प्राइमर लेने का सोच रहे हो तो कलर बार का प्राइमर ट्राई कर सकते हो, ये बहुत ही बेस्ट वाला प्राइमर है। और बस हमने प्राइमर अच्छे से लगा लिया है, आपको अच्छे से नेक पे भी लगाना है इसको। और अब हम लेंगे यहाँ पे फाउंडेशन, ये है लॉरियल का फाउंडेशन, सुपर ब्लेंडेबल फाउंडेशन। और इसमें मेरा शेड है गोल्डन या ऐसा कुछ है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी जो भी शेड होगा। तो बस इसको अच्छे से हम अप्लाई कर देंगे आइज़ के नीचे, अंडर आइज़ पे और आईलिड पे वगैरह। जिनको अगर ज़्यादा डार्क सर्कल्स वगैरह की प्रॉब्लम है उनको कंसीलर की ज़रूरत होती है, बट मेरे ये बेस इससे मेरा सेट हो जाता है। और हम ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे, इसको आपको पानी में से इसको अच्छे से धो के इसको निचोड़ के फिर लेना है, क्योंकि ये ब्लेंडर होता है ये बिल्कुल जैसे हम पानी में इसको डालेंगे ना ये डबल साइज़ का हो जाएगा, इससे आपका फाउंडेशन ज़्यादा खाएगा नहीं। अगर आप वैसे ही इसको ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करोगे ना तो आपका फाउंडेशन सारा खा जाएगा और अच्छे से ब्लेंड भी नहीं होता। और पानी में से हम इसके निचोड़ के करते हैं तो ये पूरा अच्छे से आपके फाउंडेशन को अच्छे से लगा लेता है और एकदम फ्लफी बन जाता है ये फाउंडेशन, ब्यूटी ब्लेंडर। और अब हम अपने बेस को सेट करने के लिए लगाएंगे यहाँ पे पर्पल का कॉम्पैक्ट, ये भी बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट है, इसका मैंने रिव्यू मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हैं। और बस इसको अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि कोई भी क्रीज लाइन ना पड़े और हमारा फाउंडेशन केकी ना लगे। और बस इसको अच्छे से सेट कर लेंगे, इसके बाद हम आगे वाला प्रोसेस शुरू। ये हमारा बेस कंप्लीट हो गया, आपको बेस इसी तरह से कंप्लीट करना है। अब मैं यहाँ पे मेकअप रेवोल्यूशन की एक किट ले लूँगी, पैलेट। इसमें ऑरेंज जैसा शेड है ना वही मैं पूरे लेड पे और क्रीज पे अप्लाई करूँगी। हम आप यहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई भी दूसरा आई शेडो वगैरह ज़्यादा हैवी नहीं कर रहे, क्योंकि हम ज़्यादा हैवी भी नहीं कर रहे और ज़्यादा लाइट भी नहीं रखे, हम अपने आईज़ को थोड़ा सा डिफाइन कर रहे हैं। तो एक आप आई शेडो ले लीजिए, ये ऑरेंज सा आई शेडो जो होता है ये वाला सब पे छल जाता है, मतलब आप कोई भी ड्रेस वगैरह आपकी जो भी है उस पे सब पे ये छल जाता है, ये पर्टिकुलर आप कोई भी रेड ग्रीन ये कलर लगाएं तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ये वाला जो न्यूड सा ऑरेंज सा शेड है ना ये सब पे चल जाएगा। तो बस आपको अच्छे से इसको स्मज करना है। और अब मैंने ली है यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड की ये आईब्रो पैलेट, बहुत अच्छी आईब्रो पैलेट है, इस ये पाउडर बेस है ना तो आपको आईब्रोज एकदम नेचुरल लगते हैं, मतलब लगता नहीं है कि आपने ये आईब्रो इतनी फिल की है। अब मैं यहाँ पे पर्पल का लाइनर लूँगी, बस लाइन ड्रॉ कर लूँगी, मैं ज़्यादा विंग लाइन वगैरह ड्रॉ नहीं कर रही, बिल्कुल अजीब सी लगती है ज़्यादा विंग लाइन ड्रॉ करते, तो बस ऑफिस गोइंग गर्ल के लिए ये परफेक्ट है। वन आइज पे कर ली मैंने, सेकेंड आइज तो दूसरे आइज पे भी कर ली। तो बस अब मैं यहाँ पे स्टे करके ये ब्लू काजल लूँगी, अच्छी काजल है, स्टे करके की अफोर्डेबल रेंज में मिल जाती है, बट ये बहुत ज़्यादा टूटती भी थी। और अब मैं यहाँ पे मास्कारा लूँगी, ये है मेबलिन का कोलोसल वाला मास्कारा, बहुत अच्छी लेंथ और वॉल्यूम देता है। बस मेरा लुक ये सिंपल सा बट अट्रैक्टिव सा लुक कंप्लीट है। और अपने अपने लुक को थोड़ा सा और इन्हेंस करने के लिए अब थोड़ा सा डार्क शेड लगाएंगे लिप का, ये है पर्पल का लिप क्रेयॉन था, इसका भी रिव्यू मेरे चैनल पे है। अब हम ब्लश ऑन करेंगे, ब्लश ऑन थोड़ा हल्का हल्का लेके आपको क्या करना है ऊपर की तरफ इसको अच्छे से ब्लेंड करना है, एक जगह पे आपको गोल गोल आपको जोकर टाइप में नहीं बनना है, आपको इस तरह से आप जैसे मैं बता रही हूँ इस तरह से आपको अच्छे से ब्लेंड करना है, वो भी ऊपर की तरफ लेके जाके, तो इससे आपका लुक बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस अब ज़्यादा हम नहीं कर रहे कुछ भी, अब बस हमारा हो गया। अब हम बनाएंगे यहाँ पे
हाई बन, आप इसको खुले भी रख सकते हैं बट ज़्यादातर ऑफिस मैंने देखा है प्रोफेशनल लुक में तो ये हाई बन ही बनाते हैं, तो इस तरह से ये बन बना लिया मैंने बस। और हल्का हल्का सा हम थोड़ा सा इसको मैसिव बन बनाने की कोशिश करेंगे। आप ज़्यादा एकदम वैसे बनाना चाहे तो वैसे भी बना सकते हैं, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे। मैं बट मुझे ये थोड़ा ये वाला लुक ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे कि हमने पफ बनाया हो ना उस टाइप से लगता है। आप इसको पफ बना के भी बन बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा, बट मैंने अभी पफ नहीं बनाया, नॉर्मल सा बन बना के मैं इसको इस तरह से कर लूँगी जिससे थोड़ा सा लुक अच्छा लगे। बस हल्के से थोड़ी सी साइड से बाल थोड़े से कर सकते हैं, बट अगर नहीं करना चाहे तो कोई बात नहीं। और इस तरह से मेरा लुक कंप्लीट है। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।